गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं शिवम गली स्टेशन रोड में और यहाँ का पंडाल कुछ इस प्रकार बना हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। चलिए अब स्टेशन रोड में ही दो तीन पंडाल और है, उसको दिखाते हैं आप सबको। फाइनली फ्रेंड्स शिवम गली स्टेशन रोड में पंडाल को दिखाने के बाद अब मैं स्टेशन रोड में ही आप सबको दूसरा पंडाल दिखाने के लिए आ चुका हूँ। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल बन के तैयार हो चुका है, अभी मूर्ति नहीं रखा गया है। फ्रेंड्स स्टेशन रोड में ही एक और पंडाल है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। चलिए आप सबको वहीं लेके चलते हैं। नॉइज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे पास अभी माइक अवेलेबल नहीं हो पाया है, जैसे ही हो जाएगा तो नॉइज नहीं होगा। चलिए आप सबको दिखाते हैं एक और पंडाल जो कि हमारे पास में ही है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं दूसरे पंडाल की बात कर रहा था जो कि स्टेशन रोड में ही है, आप उसको देख सकते हैं। इस पंडाल की बनावट को देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि साक्षात मूर्ति के अंदर आने फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ केदारनाथ पंडाल के पास। केदारनाथ पंडाल की खूबसूरती को आप सब देख सकते हो बाहर से। चलिए अब सब मैं आप सबको अंदर से दिखाते हैं केदारनाथ की खूबसूरती, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए मूर्ति को भी मैं अभी दिखा रहा हूँ, पहले ये साइड का आप लोग देख लीजिए कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और चलिए अब आप सबको माता रानी का दर्शन करवाता हूँ। ये माता रानी की मूर्ति जो कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है, बनाया गया है, आप सब देख सकते हैं इस मूर्ति को। ये केदारनाथ पंडाल है। फ्रेंड्स अभी मैंने जो वीडियो दिखाया, जो माँ की मूर्ति को दिखाया, प्रतिमा को, वो मैं अमली बाबा के यहाँ दिखा रहा था। और अमली बाबा से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक और मूर्ति बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आप सबको उसका भी दर्शन कराते हैं। बाकी एक दो मूर्ति और है, उसका भी दर्शन आप सबको कराएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अमली बाबा में स्थित केदारनाथ पंडाल को दिखाने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ छितौनी में। और जो कि छितौनी में अमली बाबा से 1 किलोमीटर की दूरी पे बहुत ही खूबसूरत मूर्ति रखा गया, चलिए दिखाते हैं आप सबको। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा नक्काशी किया गया है।
माँ की प्रतिमा को देखी है आप सब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से माँ की प्रतिमा को बनाया गया है। और यहाँ पर माता रानी का पट भी खुल चुका है। बहुत सारा पंडाल ऐसा है फ्रेंड्स जो कि पट अभी नहीं खुला है। अभी भी मैंने 3-4 पंडाल को कवर कर लिया है, जो कि अमली बाबा छिदौनी में स्टेशन रोड शिवम गली, अभी गादी मार्ग बाकी है, और क्या बोलते हैं अंजनी का चबूतरा फेमस पंडाल रखा जाता है, कई सालों से रखा जाता है, वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम गादी मार्ग में, और चलिए आपको दिखाते हैं गादी मार्ग में कैसा मूर्ति बना हुआ है। आप सब वीडियो पर बने रहिएगा, चलिए आप सबको लेके चलते हैं गादी मार्ग। देख सकते हैं फ्रेंड्स गादी मार्ग में, गादी मार्ग का मैं पंडाल दिखाना भूल गया था, तो अभी आप सबको चलिए दिखाते हैं गांधी मार्ग का पंडाल। देख सकते हैं अब मैं आ चुका हूँ गांधी मार्ग में, और ये पंडाल को देखिए साथ में माँ की प्रतिमा को देखिए। गांधी मार्ग में पहले से ही एकदम यह नवरात्रि के पंडाल जो है पूरी तरह से बंद कम्प्लीट हो जाता है, माता रानी का पट खोल दिया जाता है। फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ गुदरी बाज़ार में, और गुदरी बाज़ार में हर साल बहुत यूनिक मूर्ति रखी जाती है, और इस बार भी देख सकते हैं आप सब माता रानी को कैसे बनाया गया है। बहुत यूनिक तरीके से इस बार भी मूर्ति को बनाया गया है। आप सब कमेंट जरूर कीजिए कौन सा मूर्ति सबसे यूनिक है, और आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, यहाँ पे सबको मैं रिप्लाई करता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ अंजनी के चबूतरा, अब यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं जो कि माता रानी का पट जो है अभी खुला नहीं है, अभी पूरी तरह से पंडाल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सब देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ पुरानी संगत, और पुरानी संगत में आप सब देख सकते हो किस प्रकार पंडाल बना हुआ है। ये जो देख रहे हो जो माता रानी की मूर्ति है, माँ वैष्णो की मूर्ति है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये अंदर चलते हैं आप सबको माता रानी की झलकी को दिखाते हैं। देख सकते हैं आप सब माता रानी का ही एक झलक। यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी बनाया गया है, साथ में हनुमान जी भी हैं, और साथ में महादेव भी हैं, बहुत सारे देवी देवता एक साथ बनाए गए हैं।
ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।